पीएम नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर आज झारखंड आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड का ये उनका पहला दौरा है। पीएम दोपहर बाद चाईबासा पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। चाईबासा में सभा के बाद पीएम रांची आने वाले हैं और यहाँ एयरपोर्ट से राजभवन तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत करेंगे। हरमू के भारत माता चौक से रातों रोड तक पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। वहीं रोड शो के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और 4 मई को पीएम मोदी पलामू और गुमला के सिसई में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो चाईबासा में सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। एयरपोर्ट से राजभवन तक यहां रोड शो उनका होने वाला है। हरमू के भारत माता चौक से उनका रोड शो शुरू होगा और हालांकि राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और 4 मई को पलामू में उनका सभा होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को का 2 दिवसीय ये दौरा है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये उनका पहला दौरा है। चाईबासा में सभा के बाद पीएम रांची आएंगे और एयरपोर्ट से राजभवन तक पीएम मोदी का स्वागत होगा। उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखी जा रही है। तो झारखंड के रण में आज पीएम मोदी हुंकार भरने वाले हैं। आपको बता दें, 2 दिनों के दौरे में प्रधानमंत्री चाईबासा, पलामू और गुमला के सिसई में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि रांची में मेगा रोड शो भी होना है। यानी 2 दिनों में पीएम मोदी 4 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने के लिए झारखंड की सरजमी पर उतर रहे हैं। आज वो झारखंड की सरजमी पर उतरते हुए नजर आएंगे। पूरी जानकारी पहले बता दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या क्या खास कार्यक्रम है, जरा दर्शकों को बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व का माहौल है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और झारखंड प्रदेश में पहला चरण का जो मतदान है वो 13 मई को होना है। 4 सीटों पर जो है वो चुनाव फर्स्ट फेज में होना है और इसी को लेकर के कह सकते हैं कि चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। आज जो है उनका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो सिंहभूम सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी है गीता कोड़ा, उनके पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जो समय निर्धारित है वो 3 बजे है। 3 बजे सिंहभूम से जो बीजेपी के कैंडिडेट है गीता कोड़ा, उसके पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो रांची पहुँचेंगे। रांची में शाम के वक्त जो है मेगा रोड शो भी होगा जो राजभवन तक होगा और इसको लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्था है सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रांची एयरपोर्ट से लेकर के राजभवन तक जो है पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है और जो मुख्य जो कट्स है, चूँकि जो मुख्य सड़क है उसके बीच जहाँ जहाँ पे कट्स है उस कट्स को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। शाम के 3 बजे के बाद से वो पूरी कट्स जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और कोई भी वाहन का आवागमन जो है 3 बजे के बाद नहीं होगा। जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है इसमें 3 जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। आज चाईबासा जो सिंहभूम से जो बीजेपी के कैंडिडेट है गीता कोड़ा, उसके पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे 3 बजे। और कल यानी कि 4 मई को जो है वो पलामू में जो पलामू लोकसभा सीट से जो कैंडिडेट है बीजेपी के बीडी राम, उसके पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे जिसका समय 9:30 बजे निर्धारित है। और उसके बाद गुमला के सिसई जो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है वहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है लोहरदगा सीट से समीर उरांव, उसके पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे जिसका समय 11:30 या 12:30 बजे के आसपास है। तो ये 2 दिवसीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और 2 दिवसीय कार्यक्रम में ये बताइए जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज आ रहे हैं झारखंड की सरजमी पे, अगर हम रोड शो की बात करते हैं तो रांची में कहां से कहां तक रोड शो है और क्या ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ चेंजेस किया गया है?
जी बिल्कुल, जो रोड शो होना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भारत माता चौक से लेकर के राजभवन तक होना है जो बताया गया है। हालांकि ये जानकारी पहले निकल कर आ रही थी कि बिरसा चौक से वो रोड शो करते हुए राजभवन तक पहुंचेंगे, लेकिन रोड शो का जो कार्यक्रम है वो जो अभी जो जानकारी मिल रहा है कि भारत माता चौक से राजभवन तक होगा। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा उस दरमियान रोड शो में जो देश के प्रधानमंत्री को स्वागत के लिए भी कह सकते हैं कि भारी संख्या में जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं सड़कों पे नज़र आएंगे। और जगह जगह पे कह सकते हैं कि मंच भी बनाया गया है, दो तीन ऐसे जगह हमने देखा जहाँ पे मंच बकायदा बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत के लिए वो मंच बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर ट्रैफिक की व्यवस्था की अगर बात करें तो 3 बजे जो आज समय निर्धारित है कि 3 बजे के बाद से आवागमन जो है वाहनों का पूरी तरह से रोक दी जाएगी, यानी कि रांची एयरपोर्ट से लेकर के राजभवन तक के बीच का जो मुख्य सड़क है जिस रास्ते से होकर के देश के प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए राजभवन पहुंचेंगे उस सड़क पर 3 बजे के बाद कोई भी आवागमन जो है वाहनों का नहीं होगा। इसके अलावा जो कट्स जो है उस कट्स को पूरी तरह से ब्रैकेटिंग जो है वो कर दी गई है, हालांकि अभी सड़क को ब्लॉक नहीं किया गया है लेकिन 3 बजे के बाद वो सड़क जो कट्स है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसके तहत तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आज तमाम जो कार्यकर्ता उनमें उत्साह भी जोश भी देखा जा रहा है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज झारखंड आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड का ये उनका पहला दौरा है जिसे लेकर तमाम कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही ताजा जानकारी आती है आपका रुख करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।